ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज अति दुर्लभ बूटी, जिसे हम सरपोखा या सरपुंखा के नाम से जानते हैं। इसमें दुर्लभ ये है कि अभी तक जो भी हमने देखा सब गुलाबी कल फूल में होता है, लेकिन ये सफ़ेद सरपुंखा जो कि मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था, और पिछले साल मुझे इसकी एक झलक मिली थी, मैं आज देखने आया क्योंकि इसी सीज़न में इसमें फूल और बीज आते हैं, तो सफ़ेद सरपुंखा मुझे मिला। प्रभु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। तो देखिए, इस सरपुंखा में और जो हमारा गुलाबी फूल वाला सरपुंखा होता है उसमें बहुत अंतर होता है, और ये बहुत ही गुणकारी होता है सफ़ेद सरपुंखा। लेकिन यहाँ पे बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ पे सफ़ेद और लाल दोनों ही एक साथ हो गया है, मतलब एक पेड़ में ही है, जैसे संकर किस्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे लाल वाले भी थे, सफ़ेद भी था एक आध पेड़, तो इस साल ज़्यादा हैं, तो मैं कुछ पौध या बीज से इसको अलग करने की कोशिश करूँगा कि प्योर सफ़ेद सरपुंखा बनाया जा सके। इसकी पहचान मैंने अन्य कई वीडियो में आपको बता रखी है। नीचे ये जैसे सफ़ेद फूल है, तो मैं अंतर बताऊंगा आपको दोनों में। ये देखिए, सफ़ेद पुष्प में आप देख सकते हैं, यह सफ़ेद पुष्प आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ही में है दोनों पुष्प दिखाऊंगा, लाल भी सफ़ेद भी। जैसे ये आप देखेंगे तो सफ़ेद पुष्प है, और इसके ऊपर इसी में आते हैं तो ये लाल भी है जो कि सूख गया है, ये देखेंगे आप। तो इसलिए मुझे इसे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। लाल वाले की पहचान ये है कि आप देखेंगे तो इसमें ये थोड़ी इसकी जो डंडी है, तना है, शाखाएं हैं, वो हल्के गुलाबी रंग के होती हैं, और सफ़ेद वाले में नहीं है। सफ़ेद वाले में देखेंगे तो इस तरीके से है, सफ़ेद में कम है। तो इसका हमें क्या प्रयोग करना है, जैसे मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस सरपोंखा का प्रयोग सबसे ज़्यादा स्प्लिन और लीवर की बीमारी में होता है। जितनी भी लीवर की दवाई बनती है उसमें इसका प्रयोग ज़रूर किया जाता है, क्योंकि बिना इसके लीवर की दवाइयाँ अधूरी हैं। तो प्लान तक चूर्ण भी आता है, उसमें इसका जड़ पड़ता है, और हम भी जो लीवर के लिए बना रहे हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी सफ़ेद मिल गया तो इसको हम अपने खेतों में लगाएंगे, घर पे हमने बीज और जड़ इसकी ले लिए। तो इसका करना क्या होता है, जैसे जड़ का पंचांग है उसका जड़, या तो पंचांग ले लें या जड़ ले लें, दोनों का अगर ताज़ा मिलता है तो आप पंचांग ले सकते हो, पत्ते भी ले सकते हो। तो इसका काढ़ा पर पीस करके पत्ता डायरेक्ट छान करके पी सकते हैं, और अगर सूखा हुआ आपके पास पंचांग है या जड़ है तो उसका काढ़ा बना के लेना होता है। मात्रा वही 5 से 10 ग्राम, रोग और उम्र को देखते हुए। तो इस तरीके से इधर भी है, तो काफ़ी मुझे लग रहा है यहाँ पे ये सफ़ेद सरपुंखा का एरिया है, तो ये पिछले साल नहीं था। ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ पौधे हैं, मैं अभी आऊँगा 10-15 दिन बाद, अभी क्योंकि अभी इसमें देखिए फूल आए नहीं हैं, अभी आने चालू हो रहे हैं, तो और क्लियरिटी हो जाएगी कौन से सफ़ेद हैं कौन से लाल हैं। बट समय इसका आ चुका था इसलिए आया था। तो आप लोग इसको प्रयोग ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही दुर्लभ है। अगर किसी के पास हो तो इसकी जड़ ना उखेड़ें, पहले उसको घर में लगाएं, लगाने के बाद प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप एक पेड़ उखेड़ते हैं तो 4 पेड़ उसको लगाने चाहिए पौधे, और ये इन पौधों को लगाने उखेड़ने का समय होता है जब इसमें बीज बन जाए, तब उसके बाद उखेड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं इसका, अभी जनवरी फरवरी में जब ये सूख जाएगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो इसके बीज पक जाते हैं, उसके बाद इसकी जड़ निकालते हैं, ताकि एक पौध निकालेंगे तो वहाँ पर 1000 बीज जब उगेंगे और वो बीज पक के झड़ जाएंगे। अगर हम इसी समय इस पौधे की जड़ ले लेंगे तो बेकार हो जाएगा, पौधा भी गायब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि कब जड़ लेनी है, और बरसात में वैसे भी किसी पौधे की जड़ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि काम नहीं करती है, वो नवंबर में ही जाके काम करेगी बरसात के बाद, ताकि पत्तों से सारा रस जड़ों में इकट्ठा हो जाता है, अभी चला जाता है बरसात में, पानी में घुल जाता है। तो आप लोग नवंबर के बाद ही इसका जड़ लीजिएगा। तो इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, इसको शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर किसी के क्षेत्र में सफ़ेद सरपुंखा होती है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, उनका स्वागत है, वेलकम है, धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।